कक्षा 7 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। बच्चों, मैं आप सबको आज आपकी पाठ्यपुस्तक भाषा क्लास की अध्याय संख्या 1 पुनर्अभ्यास हेतु बताऊंगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न का उत्तर है वो पहले ही आपको दिया जा चुका है। ऐसे तो हमारी बहुत सारी विषय अर्थात अध्याय पूरा हो चुका है। पुनः 17 अगस्त से हमारा सेकेंड यूनिट टेस्ट है, उसको देखते हुए पुनर्अभ्यास हेतु अध्याय एक करेंगे। अध्याय एक शीर्षक है जन्मभूमि, लेखक है सुमित्रानंदन पंत। इस कविता में कवि ने जो बातें यहाँ रखे हैं वो इस तरह से, जिस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है वो तो हमारी माँ के समान होती ही है, और स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहलाती है यह धरती। ऋषि मुनियों की तपस्या भूमि है, क्योंकि ऋषि मुनि इस धरती पर तपस्या करते हैं। भारतवासी संसार को अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए कहा जाता है वसुधो कुटुंबकम। आइए कविता की पंक्ति पढ़ ले, फिर इस पंक्ति का एक एक अर्थ आपको मैं बता देता हूँ। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गदपि चिर क्रियाशी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वन धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, व जन जन के हृदय में बसी। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यान अवस्थित हो ऋषि मुनिगण, चित नभ से करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें वर्षी। आज युद्ध जर जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्र उच्चारण, वह वसुधेव वना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गदपि चिर गृहशी। तो बच्चों, इस कविता में सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि ये जो भारत भूमि है ये हमारे माता के समान है, और स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। यदि हमारे लिए कोई स्वर्ग है तो ये भारत भूमि है जिस पर हमने जन्म लिया है। इस भारत भूमि की अनेकों विशेषताएं हैं, जैसे कि इसके हिमालय पर्वत सिर मुकुट के समान इसकी रक्षा करता है, इसकी धरती सदा हरी भरी सोने के समान मुस्कुराती रहती है, यहाँ बहती हुई नदियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकाश को मोतियों के समान गूंथ दिया गया हो, पिरो दिया गया हो, और ये नदियाँ भारत के जन जन के हृदय में बसती है। ये पवित्र नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती, हमारी पूजनीय नदी को हम अपने हृदय में बसाते हैं। इसके जल को देखकर लगता है जैसे ये प्रकाश से गूंथा गया हो। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, अर्थात शांति के लिए इस भारत भूमि पर अनेकों तपस्वी ने तपस्या किया, ध्यानावस्थित होकर ऋषि मुनियों ने ध्यान किया। चित नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी, अर्थात अपने मन को शुद्ध करके ज्ञान स्वरूप बनाकर इस आकाश में विचरण करते थे, जिसके कारण हमेशा ये भारतवासी भारत निवासी
सत्य के पुजारी रहे। इसलिए कहा जाता है कि सत्य की किरणें इस भूमि पर है वर्षी, परंतु आज स्थिति बदल गया है। युद्ध ने लोगों की बुरी विचारों ने जब जीवन को तहस नहस कर दिया है, आज हमें पहले वाली स्थिति लाने के लिए पुनः मंत्र उच्चारण करना होगा कि सारा विश्व के लोग हमारे परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात कवि कहते हैं कि ये पूरा संसार हमारा परिवार है, और उसके चेहरे पर एक नई मुस्कुराहट चमकती रहती है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, ये मातृभूमि जो है, ये मेरी माता के समान जो भूमि है, ये मुझे बहुत प्रिय है और ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। धन्यवाद।